नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जब गोवा से खबर सामने आ रही है, MiG-29 के लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान क्रैश हो गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आने के कारण समुद्र के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इंडियन नेवी ने बताया है कि पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के कारणों की जांच के लिए एक पूछताछ बोर्ड को आदेश दिया गया है। आपको बताते चलिए कि कुछ देर पहले MiG-29 के लड़ाकू विमान के क्रैश होने की जानकारी सामने आई है। विमान नियमित उड़ान का हिस्सा था। पायलट इसको लेकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे थे और उसी वक्त टेक्निकल एरर की वजह से ही विमान वहीं पर क्रैश हो गया। हालांकि इसमें पायलट की जान बचा ली गई है और विमान के दुर्घटनाग्रस्त को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जाँच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तभी से उद्धव ठाकरे खेमे और शिंदे खेमे में वार पलटवार जारी है। ताजा विवाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल उतारने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उभरा है। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे खेमे के साथ नेताओं के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है और इन सभी नेताओं के खिलाफ ही भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया हुआ है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्वास, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के ऊपर दर्ज FIR को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार बनते ही मुझ पर FIR दर्ज असुरक्षित आत्ममुग्ध बोने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया है। न्यायपालिका और मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह की, पंजाब के संविधान को बोनी नजरों से बचाए। और कुछ दिन पहले ही तजिंदर पाल सिंह बग्गा के ऊपर पंजाब में FIR दर्ज की थी। उसके बाद आधी रात पंजाब पुलिस दिल्ली आकर बग्गा को गिरफ्तार किया था। मामला बढ़ने के बाद ही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था और फिर दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापस दिल्ली लौट आई थी। कुमार विश्वास पर भी ऐसा ही मामला दर्ज किया था और आज पंजाब कोर्ट ने ही दोनों FIR को रद्द कर दिया है। अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से लगते इकला गांव में ही मंगलवार की देर शाम दो समुदाय के लोगों में जमकर मारपीट और पथराव और फायरिंग हुई है। इस वारदात में दोनों पक्ष के दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद की शुरुआत सड़क पर खड़ी गाड़ी को लेकर हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया है और अभी तक इस मामले में एक पक्ष ने पुलिस पे तहरीर दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने आज तहरीर देने की बात की है। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। वहीं तमिलनाडु के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य के 4.43 लाख किसानों के लिए 481 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम मंजूर किया है। इस दौरान CM M.K. स्टालिन के कई जिलों में ही आए लगभग 10 किसानों को बीमा क्लेम चेक दिया है। इन किसानों की फसल का नुकसान हुआ था। एक आधारिक विज्ञप्ति के कहा है कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए फसल बीमा योजना के लिए राज्य सब्सिडी के रूप में ही 2057 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। साथ ही अब तक 85,597 किसानों ने कुल 331 एकड़ में उगाई की और फसलों का बीमा लिया है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी से विधायक
बंशीधर भगत ने ही एक विवादित बयान दिया है। बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के मौके पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयानबाजी की है, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। भगत ने कहा है कि लड़कियों का तो हमेशा सम्मान होता है, पर लेकिन लड़कों को भी सम्मान मिलना चाहिए। और भगत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि विद्या संगतों में ही सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगो तो दुर्गा और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। भगत ने भगवान शिव विष्णु को लेकर भी आपत्तिजनक बातें की हैं, जिसको लेकर अब विवाद लगातार हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को गुजरात के मेहसाणा पहुंचे। यहां से उन्होंने गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये गौरव यात्रा कोई बीजेपी की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को भव्य करने वाली गौरव यात्रा है। जेपी नड्डा ने कहा कि ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, जो देश को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने वाला भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे छलांग लगा रहा है। उस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है और इसी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में 900 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। और वहीं ये यात्रा इन दिनों कर्नाटक में चल रही है, जो राज्य में 511 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। बुधवार 12 अक्टूबर 2022 को राहुल गांधी ने 35वें दिन यात्रा कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से ही छल्लाकेरे टाउन से शुरू की। कांग्रेस इस मौके पर ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा गया है कि हर रोज मजबूत यात्रा ने अभी अभी अपनी पहली 900 किलोमीटर की दूरी पूरी की है और भारत की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। इस राष्ट्र निर्माण आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़े और इसके साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के वीडियो भी शेयर किए हैं। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि शाम 6 बजे यात्रा हीरे हल्ली टोल प्लाजा पर रुकेगी और स्वामी विवेकानंद नेशनल स्कूल में रात्रि विश्राम भी करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।